नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय शनिदेव। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, धनु राशि वालों, दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग भगवान शनिदेव की कृपा से अपने जीवन काल में आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे और आप अपने ज़िंदगी में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करते होंगे। जी हाँ दोस्तों हम आप सभी प्यारे भक्तों को बताना चाहूँगा कि दोस्तों, दिनांक 19 अगस्त दिन शनिवार की दोपहर 12:30 बजे के बाद दोस्तों भगवान शनिदेव की कृपा से आप सभी के ज़िंदगी में होने वाली हैं एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक बदलाव। दोस्तों, आज तक आपके ज़िंदगी में जो बदलाव नहीं हुए थे, दोस्तों ऐसा बदलाव आपके ज़िंदगी में इन 24 घंटे के भीतर होने वाली हैं। दोस्तों, इस बदलाव से आपकी पूरी ज़िंदगी ही बदल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, और आप लोगों को आज के दिन भगवान शनिदेव की कृपा से इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण खुशखबरी आप लोगों को मिलने वाली है कि दोस्तों, जिस खुशखबरी को सुनकर आप और आपके पूरे घर परिवार में या इसमें खुशी के मारे हाहाकार मचेंगे और आपके ज़िंदगी में इतनी बड़ी खुशियां आज दस्तक देने वाली हैं कि दोस्तों, जिन्हें देखकर आपके तो बिल्कुल ही होश उड़ जाएंगे। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि हमारे ज़िंदगी में हमें इतनी बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती थी, लेकिन दोस्तों ये आपके अच्छे कर्मों का फल है जो आप लोगों को आज स्वयं भगवान शनिदेव जी, जो कि दोस्तों कर्मों के फलदाता हैं, दोस्तों आप लोगों को आज वो आपके कर्मों के फल देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपके ज़िंदगी में जो भी दुख तकलीफ सालों से चली आ रही थी, जिन परेशानियों को लेकर आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा परेशान रहते थे, आपकी ज़िंदगी में जो एक मुसीबतें दूर नहीं होती थी तो अनेकों प्रकार की मुसीबतें आपकी ज़िंदगी में आ जाती थी, जिस वजह से आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी लंबे समय से काफ़ी परेशानी झेलते आ रहे थे। तो दोस्तों, अब आप लोग चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि दोस्तों अब आपके ज़िंदगी से हर परेशानियों से आपको मुक्ति मिलने का समय आ चुका है, क्योंकि दोस्तों हम स्वयं भगवान शनिदेव की कृपा आपके ऊपर अब पड़ चुके हैं। दोस्तों, अब भगवान शनिदेव की कृपा से आपकी ज़िंदगी की हर प्रकार की मुसीबतों से आपको मुक्ति मिलने वाली है और दोस्तों आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य भी अब इन 24 घंटे के भीतर आपके आंखों के सामने बनता हुआ दिखा देंगे, जिन्हें देखकर आपको खुद अपनी आंखों पर यकीन और विश्वास नहीं होंगे। दोस्तों, आपने कभी सोच भी नहीं सकते होंगे कि हमारे ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा भी हो सकता था, लेकिन दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों हमारे ज़िंदगी में अगर कुछ बुरा होता है या फिर कुछ अच्छा होता है तो दोस्तों उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म होते हैं, क्योंकि दोस्तों हम जीवन में जैसा कर्म करते हैं दोस्तों हमारे जीवन में वैसा ही होता है। अगर हम ज़िंदगी में अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ हमेशा अच्छा होगा और भगवान की कृपा हमेशा हमारे साथ बनी रहेंगी। अगर हम ज़िंदगी में बुरा कर्म करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा, क्योंकि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इंसान तो कर्म करने पर भले ही अपनी मनमानी कर सकते हैं मगर फल भोगने में नहीं। जो इंसान जैसा करेगा उन लोगों को वैसा ही फल ऐसे ही जीवन में भुगतना भी पड़ सकता है। जी दोस्तों, और भगवान शनिदेव की कृपा अब आपके ऊपर पड़ चुकी है, जिस कारण से दोस्तों आपने जो पिछले समय में अच्छे कर्म किए थे आप लोगों को अब उसी कर्म का फल आज स्वयं भगवान शनिदेव जी देने वाले हैं और इस तरह से देने वाले हैं कि दोस्तों, जिनके बारे में आपने कभी सोच भी नहीं सकते होंगे कि हमारे कर्म का फल हमें कभी कुछ इस तरह से मिल भी सकता था। जी दोस्तों, तो एक प्रकार से यूं कहें तो दोस्तों अब आप लोगों के लिए ऐसा शुभ दिन आ चुके हैं कि दोस्तों जिस दिन का आप लोगों को सालों से इंतज़ार था, दोस्तों आप जिस दिन के लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करते थे, दोस्तों आखिर आपके लिए वह दिन आ ही गया। बस आप लोगों को इन 24 घंटे तक, यानी कि दोस्तों कल दोपहर 12:30 बजे के बाद से कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसी सावधानियां
आप लोगों को बहुत ही बरतने की आवश्यकताएँ होंगी, अन्यथा दोस्तों आप लोगों को लाभ के बजाय यश में नुकसान झेलना पड़ सकता है और आप लोगों को बड़ी घटना का यश में शिकार भी होना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों कुछ गलती के कारण दोस्तों हमारी ज़िंदगी में ऐसे बड़ी मुसीबतें आ जाती हैं कि हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए आप लोगों को भी आने वाले इन 24 घंटे तक, आने के 19 अगस्त दिन शनिवार को आप लोगों को कुछ क्षेत्र में आप लोगों को बहुत ही समन कर भी रहने की आवश्यकता है उनकी, तभी दोस्तों आज का दिन आप सभी के लिए बेहतर होंगे, तभी आप ज़िंदगी में इस अवसर का लाभ भी उठा पाएंगे और तभी आप अपनी ज़िंदगी में खुशी का आनंद भी ले सकते हैं। जी दोस्तों, तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है और बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है, तो आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल भूल से मिस ना करें। दोस्तों आप लोगों को सारे की सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि दोस्तों आने वाला यह दिन, आने की 19 अगस्त का दिन आपके लिए कैसा लेकर आ रहे हैं। दोस्तों आज के दिन भगवान शनिदेव की कृपा से आप लोगों के जीवन काल में क्या क्या खुशियां आने वाली हैं, क्या क्या परिवर्तन होंगे, क्या क्या बदलाव होंगे, आप लोगों को या समय क्या क्या लापरवाही करने से बचना होगा, कौन से गलतियां करने से आज आप लोगों को भी सावधान रहने की आवश्यकताएँ होंगी और साथ ही आज आपके ग्रहों की स्थितियाँ कैसे रहने वाली हैं, क्या क्या योग बनेंगे, इनका असर आपके राशि फल पर कैसा प्रभाव पड़ने वाली हैं और आज के दिन आपका बिजनेस व्यापार, आपकी नौकरी, आपका स्वास्थ्य, प्रेम संबंध, आर्थिक स्थिति एवं घर परिवार का माहौल कैसा रहने वाला है, आपको हम सारे की सारी जानकारी आज की इस वीडियो में प्रदान करने वाले हैं। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, आप इसे बिल्कुल भूल से मिस ना करें। तो दोस्तों आइए बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं, उससे पहले भगवान शनिदेव जी के जितने भी सच्चे भक्त हैं इस वीडियो का भी कभी अपने दोनों हाथों से एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में प्रेम से जय शनिदेव महाराज जरूर लिखें, आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण जल्दी होंगी। तो दोस्तों आइए बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले जानते हैं इस दिन के पंचांग के बारे में। दोस्तों इस दिन शनिवार का दिन है और शनिवार का दिन भगवान शनिदेव जी का पावन दिन रहने वाला है। दोस्तों श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रात्रि 10:19 के उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएंगी और दोस्तों हस्त नक्षत्र का निर्माण होने जा रहे हैं और दोस्तों अगर सुबह की बात करें दोस्तों सिद्ध योग रात्रि 9:18 के उपरांत साध योग प्रारंभ हो जाएंगी और राहु काल के समय की बात करें अर्थात दिन का वह दी अशुभ समय की बात करें तो सुबह 9:19 से लेकर के सुबह 10:54 तक रहेंगे। यह समय अवधि में आप अपने जीवन काल में कोई शुभ कार्य बिल्कुल ही भूल से प्रारंभ ना करें, अन्यथा आपके शुभ कार्य में किसी प्रकार की संकट एवं बाधाएं भी आ सकती हैं। और दोस्तों अगर अभिजुम समय की बात करें अर्थात दिन का बेहद ही शुभ समय की बात करें तो दोस्तों दोपहर 12:05 से लेकर के दोपहर 12:56 रहेंगे। यह समय अवधि में आप अपने जीवन काल को भी शुभ कार्य बिल्कुल ही प्रारंभ कर सकते हैं और सूर्य सिंह राशि पर है और चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेंगे पूरा दिन और पूरा रात। दोस्तों ऐसे में समस्त ग्रहों की चाल आपके राशि फल पर कैसा प्रभाव पड़ने वाली हैं आपको हम सारी जानकारी बताएंगे, तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों समस्त ग्रह और सितारों की चाल से और दोस्तों आज चंद्रमा का जो सिंह राशि में होने के पश्चात दोस्तों आज इस राशि के जातकों के ऊपर स्वामी सूर्य बुध के साथ साथ मौजूद होंगे और जिससे उनको आज बुधात्य योग का लाभ भी मिलने वाले हैं और आज आप लोगों को नौकरी कारोबार के मामले में दिन बहुत ही अनुकूल लेकर आने वाले हैं। दोस्तों आज आप लोगों को कारोबार में काफ़ी अच्छे लाभप्रद देखने को मिलेंगे। दोस्तों आज आप अपने कारोबार में जो भी कारोबार आज आप शुरू करना चाहेंगे आप लोगों को आज उसमें लाभ की प्राप्ति होंगी और जिस क्षेत्र में आज आप कारोबार करने के निवेश करेंगे आप लोगों को उस निवेश से भी लाभ की प्राप्ति काफ़ी अच्छा देखने को मिल रही है। और दोस्तों इनको आज नौकरी में संयम और धैर्य से चलना होगा, ऐसे कार्य में सफलता आप लोगों को मिलेंगी। अगर इस राशि के को भी ज़्यादातर काफ़ी लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे तो उन लोगों को थोड़ा संयम और धैर्य के साथ चलना पड़ेगा, तभी आप लोगों को कोई नौकरी प्राप्त हो सकती है। और आज अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं तो आप लोगों को आज अपने
वाणी पर आप लोगों को बहुत ही मधुरता रखने की आवश्यकताएँ होंगी, क्योंकि दोस्तों आज आपकी वाणी से ही आप लोगों को नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों अगर आज आप लोगों के साथ मीठे बोल बोलेंगे तो आप लोगों को आज नौकरी मिल सकती है। और आज आप किसी के साथ झगड़े करने का प्रयास ना करें, किसी को आज आप बुरा भला ना कहें, और ना ही आप किसी को आज गाली गलौज करें, और ना ही आप किसी के साथ आज विवादें करें, नहीं तो दोस्तों आपका बना बनाया काम भी आज बिगड़ सकते हैं। इसलिए आप लोगों को आज इस बात का भी बहुत ही ख्याल रखने की आवश्यकता होंगी, नहीं तो दोस्तों आप लोगों को पछताना भी पड़ सकते हैं, और आपके हाथ में आए अवसर भी आपके हाथों से जा सकते हैं। इसलिए कुछ भी हो जाए दोस्तों आज आप लोगों को बहुत ही सावधानीपूर्वक से रहने का प्रयास करना होगा। दोस्तों अगर आज आपको कोई भी लोग दो बातें भी आपको बोल दे तो आपको बुरा बिल्कुल भी नहीं मानना है। दोस्तों आज आप लोगों को उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दे तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगे। दोस्तों जब तक आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी को हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक आपको ज़िंदगी में लोगों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। लोग क्या कुछ बोल रहे हैं आपके बारे में दोस्तों, इनकी बातों को आपको नहीं सुनना है, इनकी बातों का आपको ध्यान नहीं देना है। बस आपको जीवन में हमेशा अपने कामयाबी के शिखर तक आपको पहुँचने का प्रयास करना है। आपको अपनी ज़िंदगी में हमेशा हर कदम को बढ़ाते रहना है। दोस्तों आप इन छोटी छोटी बातों को अपने ध्यान रखेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसलिए कुछ भी हो जाए इन बातों को ऐसे आप लोगों बहुत ही ख्याल रखने की आवश्यकताएं होंगी। वो दोस्तों सरकारी क्षेत्र से जुड़े कार्यों में आज आप लोगों को काफ़ी अच्छी कामयाबी भी मिलेंगी। और आज अगर आप सरकारी क्षेत्र में कोई भी टेंडर के लिए प्रयास करेंगे तो आप लोगों को इसमें भाग्य का साथ मिलेंगी, और आपका टेंडर भी इसमें आपको मिल सकते हैं। और नौकरी में आज आपको सहकर्मियों से सहयोग मिलेंगे, जिनसे आज आप अपने कार्य क्षेत्र में हर कार्य को बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से पूरे भी कर लेंगे। और दोस्तों आर्थिक मामले में आज का दिन आप लोगों को पिता और पूर्व में किए गए निवेश से लाभ भी मिल सकते हैं। अगर आपने किसी को काफ़ी लंबे समय पूर्व ही उधार में दिए हुए थे तो आज आप लोगों को दिया गया धन वापस मिल सकते हैं, जिनसे आपका मन थोड़ा काफ़ी खुश दिखाई दे सकते हैं। और दोस्तों इस राशि के राजनीति से जुड़े लोगों को आज पद प्रभाव का लाभ भी मिल सकते हैं, और लंबे समय से रुका हुआ काम आज आपके पूरे हो सकते हैं, जिनसे आप काफ़ी खुश भी आज दिखाई दे सकते हैं। और आपके जीवन काल में किसी प्रकार की मुसीबतें थी तो आज वह दूर भी हो सकती हैं, क्योंकि आज आपके ऊपर स्वयं भगवान शनिदेव जी मेहरबान हो चुके हैं। और दोस्तों प्रेम और पारिवारिक जीवन की बात करें तो आज का दिन प्रेम और पारिवारिक जीवन के मामले में बहुत ही सुखद दिन रहने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आज आपको पिता की नाराज़गी का सामना भी करना पड़ सकते हैं, तो बेहतर होगा कि आज इनसे तालमेल बनाकर रखें तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगे। आज आप लोगों को पिता के साथ किसी प्रकार की बहसबाजी ना ही करें तो आप लोगों के और अच्छा दिन बेहतर खास हो सकते हैं। और संतान पक्ष के मामले में सितारे बताते हैं कि आज आपको अपने प्रयास से संतान की किसी भी समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। और शाम का समय आप अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती बिताएंगे। और इस राशि के जो युवा अपने प्रेम संबंध काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं दोस्तों, उन लोगों को भी आज अपने जीवन साथी की बातों का बहुत ही ख्याल रखना होगा, तभी आपका जीवन साथी आज आपसे प्रेम पूर्ण भी कर सकते हैं। और सेहत के मामले में आज का दिन आप सभी के लिए कुछ नरम भी रह सकते हैं। पेट दर्द और उदर संबंधी कोई परेशानी आज आपको देखी जा सकती है, इसलिए आज आप लोगों को बाहरी खान पान से परहेज करना चाहिए, तभी आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगे, नहीं तो आपका पेट आज थोड़ा ज़्यादा ही खराब हो सकता है।